डियर स्टूडेंट, आरसी एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे बेंजीन रिंग के कारण होने वाली जो अभिक्रियाएं, उसमें आपने फॉर्मलीकरण की बात कर ली थी। बेंजीन रिंग पर यदि CHO समूह जुड़ जाता है तो उसका नाम क्या होता है? फॉर्मलीकरण। अब बात करेंगे कि बेंजीन रिंग पर CHO समूह के स्थान पर कार्बोक्सिलिक एसिड पार्ट जुड़ जाए, यानी कि CWH समूह जुड़ जाए, तो उसका नाम होता है कार्बोक्सिलीकरण। क्या कहलाएगा वो? कार्बोक्सिलीकरण। देखिए यहां से क्या होता है कार्बोक्सिलीकरण में, टॉपिक है आपका कार्बोक्सिलीकरण। कौन सा टॉपिक बात कर रहे हैं? कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण में क्या होता है कि जो CWH समूह है, CWH समूह का फिनॉल में बेंजीन वलय पर जुड़ना कार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। यानी फिनॉल है, उस फिनॉल की जो बेंजीन रिंग है उस पर कौन सा समूह जुड़ जाए? कार्बोक्सिलिक समूह, CWH समूह जुड़ जाए तो उसे क्या कहा जाता है? फिनॉल का कार्बोक्सिलीकरण कहा जाता है। इसके अंतर्गत राइमर टिमान रिएक्शन होती है। मैंने बात की थी राइमर टिमान फॉर्मलीकरण। फॉर्मलीकरण में तो क्या होता है? CHO समूह जुड़ता है। राइमर टिमान कार्बोक्सिलीकरण की बात करें तो वहां पे कौन सा समूह जुड़ जाएगा? CWH समूह। तो देखिए यहां से नेक्स्ट, इसके अंदर पहले रिएक्शन पढ़ रहे हैं राइमर टिमान कार्बोक्सिलीकरण रिएक्शन। पहले रिएक्शन कौन से पढ़ रहे हैं इसमें? राइमर टिमान कार्बोक्सिलीकरण। टॉपिक कौन सा होगा आपका? राइमर टिमान कार्बोक्सिलीकरण। अब यहां से क्या होता है राइमर टिमान कार्बोक्सिलीकरण में कि जो आपका फिनोल है उस फिनोल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म एवं क्षार की उपस्थिति में कराई जाएगी, तो यहां से क्या बन जाएगा? तो CWH समूह प्रतिस्थापित होकर कहां पे आ जाएगा? ऑर्थो स्थिति पर आ जाएगा। क्या बना लेगा? वहां से सैलिसिलिक अम्लों का निर्माण कर लेता है। इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाती है? आपकी राइमर टिमान कार्बोक्सिलीकरण कहलाता है। यानी राइमर टिमान कार्बोक्सिलीकरण में क्या होता है कि मैंने यहां से बोल दिया राइमर टिमान फॉर्मलीकरण में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया करता है। तो मैंने यहां पे क्या बोला? राइमर टिमान अगर आपका फॉर्मलीकरण है तो क्लोरोफॉर्म क्षार के मध्य होगी, और यदि कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड एवं क्षार के मध्य अभिक्रिया संपन्न कराएगी। वहां से क्या बन जाएगा? सैलिसिलिक अम्ल बन जाएगा। क्या कहलाएगा? राइमर टिमान कार्बोक्सिलीकरण। देखिए क्या होता है, फिनॉल की अभिक्रिया CCl4 व KOH की उपस्थिति में गर्म करके कराई जाती है तो सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। तो सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। अम्ल बन जाता है फिनॉल है, फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4 व KOH की उपस्थिति में गर्म करके कराई जाएगी। यानी मैं कह सकता हूं कि फिनॉल को कार्बन टेट्रा क्लोराइड व KOH की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या बन जाता है? सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। इसे क्या कहा जाता है? राइमर टिमान कार्बोक्सिलीकरण कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? इसे राइमर टिमान कार्बोक्सिलीकरण कहा जाता है। राइमर टिमान कार्बोक्सिलीकरण कहा जाता है। देखिए क्या होता है यहां से, फिनोल फिनॉल की अभिक्रिया, यह आपका क्या है? फिनोल
फिनॉल की अभिक्रिया CCl4, इसका नाम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। चार फोर के OH, चार क्योंकि यहां पे Cl चार है तो यहां पे कितने मोल लेने के OH के, चार। मैंने यहां पे क्लोरोफॉर्म लिया था CHCl3 4 मिलीकरण में, तो तीन Cl की वजह से यहां के OH कितने लिए, तीन। यहां पे चार CCl4 के चार Cl होने के कारण 4 के OH लेने, तो यहां से क्या होता है देखो वही बाहर निकल जाएगा यहां से OH, ऐसे कैसे यहां पे क्या हो जाएगा COOH समूह जुड़ जाएगा, कौन सा समूह जुड़ जाएगा CW। तो देखो यहां से 4K और 4Cl, तो 4KCl बाहर निकल जाएगा, क्या बाहर निकल जाएगा यहां से 4KCl। अब देखो यहां 4H है, यहां 4H और दो ऑक्सीजन मिलकर क्या बाहर निकल जाता है 2H2 और KCl 2H2। अब यहां पे क्या बच गया, दो ऑक्सीजन बच गए, एक कार्बन बच गया, तो एक कार्बन दो ऑक्सीजन और रिंग की यहां पे H मिलकर इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं CW। इस कंपाउंड का नाम होता है सैलिसिलिक अम्ल, ये जो कंपाउंड बना है इसका नाम क्या है सैलिसिलिक अम्ल। तो यहां से लिख रखा है फिनॉल की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड एवं क्षार की उपस्थिति में गर्म करके कराई जाती है, क्या बन जाता है यहां से सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। इसे क्या कहा जाता है राइमल-टीमान कार्बोक्सिलीकरण कहा जाता है। अब यहां से जो सैलिसिलिक अम्ल है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करता है, यहां पे नोट डाल के ध्यान रखना है, सैलिसिलिक अम्ल को एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिकर्त करवाया जाता है। जैसे सैलिसिलिक अम्ल है इसको एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिकर्त करवाऊंगा, तो यहां पे दर्द निवारक औषधि के रूप में यहां से क्या बना लेगा एस्प्रिन या एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल का निर्माण कर लेता है। कैसे करता है, देखिए सैलिसिलिक अम्ल को सैलिसिलिक अम्ल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करके एसिटिक एन हाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करके सैलिसिलिक अम्ल एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करके एस्प्रिन क्या बनाता है यहां से एस्प्रिन या उसी का दूसरा नाम है एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, एस्प्रिन या एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल बनाता है। सैलिसिलिक जो अम्ल है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बनाएगा एस्प्रिन या एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, जो क्या होती है दर्द निवारक औषधि होती है, जो दर्द निवारक औषधि के रूप में काम में ली जाती है। एस्प्रिन जो है वो किसके रूप में काम में ली जाती है, दर्द निवारक औषधि के रूप में काम में ली जाती है। किस प्रकार इसका निर्माण होता है कि जो आपका सैलिसिलिक अम्ल है ये सैलिसिलिक अम्ल है, यानी कि फिनॉल है उस फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पे कौन सा समूह जुड़ रहा है CW, इस किसके साथ अभिक्रिया करेगा एसिटिक एनहाइड्राइड, फॉर्मूला होता है CH3 CO CH3, इसको क्या बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। यानी सैलिसिलिक अम्ल है, सैलिसिलिक अम्ल यानी सैलिसिलिक जो अम्ल है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है यहां से दर्द निवारक औषधि के रूप में एस्प्रिन बनाता है। यानी कार्बोनिल सी डबल बॉन्ड हो, ये सी डबल इसको बोलते हैं कार्बोनिल समूह, ये बॉन्ड तोड़ते हैं तो हमेशा सी डबल बॉन्ड समूह का जो कार्बन है वहां पे कहलाते हैं प्लस। चाहे आप ये बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर ले चाहिए वाला, यहां से तो कार्बन कार्बन की विद्युतीयता में समानता है, यहां पे भी समानता है, लेकिन यहां पे कार्बन के साथ हेटेरो एटम के रूप में ऑक्सीजन परमाणु जुड़ा हुआ है जिसकी विद्युतीयता ज्यादा होने के कारण यहां पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और यहां पे कार्बन पे क्या आ जाएगा प्लस। तो देखो यहां से कौन सा बॉन्ड तोड़ दे, यहां से ये वाला एच प्लस के रूप में यहां पे माइनस, तो एच प्लस और ये माइनस आउट कौन हो जाएगा यहां पे CH3COOH के रूप में बाहर निकल जाता है CH3COOH, ये बाहर निकल जाएगा और ये पॉजिटिव जो पार्ट है वो कहां पे जुड़ जाएगा O- के ऊपर, ये कंपाउंड बन जाएगा आपका एस्प्रिन, ये
ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, यहाँ पे सी डब्ल्यू एच, इस कंपाउंड का नाम होता है एस्प्रिन या एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल। एस्प्रिन या एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल बनता है, अम्ल बनता है जो क्या होता है, दर्द निवारक औषधि के रूप में काम में आता है। तो ये है आपका कार्बोक्सिलिकरण। तो कार्बोक्सिलिकरण में समझ में आ गया होगा, फिनॉल के विक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड एवं क्षार की उपस्थिति में कराई जाती है, तो क्या बन जाता है, यहां से सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। अब यदि आपका सैलिसिलिक अम्ल बन रहा है, उस सैलिसिलिक अम्ल को क्या करवा दे, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिकृत करवा दे, तो क्या बनाता है, एस्प्रिन या एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल बनाता है, जो दर्द निवारक औषधि के रूप में काम में ली जाती है। ध्यान रखना इस पॉइंट को, ये इसमें नहीं है, बाकी आप जहां पे भी सैलिसिलिक अम्ल बन गया और उसके एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करवाने से क्या बनता है, एस्प्रिन या एसिटिल सैलिसिलिक अम्ल, जो क्या होती है, दर्द निवारक औषधि के रूप में काम में आती है। तो यहां से क्लियर है, यहां से उसके बाद में बात करते हैं, यहां से कोलबे सिमिट अभिक्रिया। नेक्स्ट बिंदु बात करेंगे कार्बोक्सिलिकरण में कोलबे अभिक्रिया, कोलबे सिबिट अभिक्रिया, उसमें भी क्या होता है, CWS समूह का बेंजीन रिंग पर जुड़ना होता है, और CWS समूह का बेंजीन रिंग पर जुड़ना क्या कहलाता है, फिनोल का कार्बोक्सिलिकरण कहलाता है। यानी फिनोल की बेंजीन रिंग पर कौन सा समूह जुड़ जाए, CWS समूह जुड़ जाए, क्या कहलाएगा, कार्बोक्सिलिकरण। देखिए यहां से कार्बोक्सिलिकरण में बात करते हैं, कोलबे अभिक्रिया, कोलबे सिबिट अभिक्रिया वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कार्बोक्सिलिकरण की सेकंड टाइप की जो रिएक्शन है, कोलबे अभिक्रिया या उसी का नाम है कोलबे सिमिट अभिक्रिया, कोलबे सिमिट अभिक्रिया, कोलबे अभिक्रिया या कोलबे सिमिट अभिक्रिया। इसमें होता क्या है कि जो आपका फिनोल है, उस फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दी जाए, तो वहां से क्या बन जाता है, सोडियम फिनोक्साइड बन जाता है। यानी फिनोल है, उस फिनोल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दी जाए तो सोडियम फिनोक्साइड बनता है। अब इस सोडियम फिनोक्साइड को CO2 के साथ उच्च दाब एवं ताप की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा, तो यहां से सोडियम सैलिसिलेट बनता है, और उस सोडियम सैलिसिलेट का अम्लीकरण करवा दें तो वहां से क्या बन जाता है, सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है, कोलबे अभिक्रिया, कोलबे सिमिट अभिक्रिया कहा जाता है। देख क्या होता है इसमें, ये आपका फिनोल है, इसका नाम क्या है, फिनोल, फिनोल की अभिक्रिया किसके साथ करवा दी जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवा दीजिए, तो यहां से क्या बन जाए, सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा। देखो यहां के H, यहां से H2 बाहर निकल जाएगा, H2 जब बाहर निकल जाएगा तो यहां पे NH शिफ्ट हो जाएगा, ये कंपाउंड जो बन जाएगा आपका सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा, ये ONA, इसको बोलते हैं सोडियम फिनोक्साइड, सोडियम फिनोक्साइड बन जाएगा, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम फिनोक्साइड। अब क्या करते हैं, सोडियम फिनोक्साइड को CO2 के साथ उच्च दाब, हाई प्रेशर, उच्च दाब 398 केल्विन तक, सोडियम फिनोक्साइड को CO2 के साथ उच्च दाब एवं 398 केल्विन ताप पर गर्म कर दिया जाए, तो ये जो CO2 है और तो स्थिति पर आ जाएगा, और यहाँ का आयन जुड़कर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम सैलिसिलेट बनाता है, क्या बन जाएगा, यहाँ से सोडियम सैलिसिलेट। देखिए डायरेक्ट, फिर मैं इसके मैकेनिज्म समझा दूंगा किस प्रकार से मॉलिक्यूल, यानी ये बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग पर ये OH और ये जो C डबल बॉन्ड OO, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, C डबल बॉन्ड OO, यहां पे क्या जाएगा, Na। देखो फिनोल और यहां पे देखो CWS समूह जुड़ जाता है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, सैलिसिलिक अम्ल, और सैलिसिलिक अम्ल जब अपने H+ आयन त्याग दे, तो समझने के लिए देखें यहां से क्या है आपका, ये आपका OH और यहां पे CWS,
क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल बोलते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। अब सैलिसिलिक अम्ल यहां से क्या करते हैं, अपने एज प्लस त्याग देगा तो इसके ऊपर क्या जाएगा, ये कंपाउंड बन जाएगा OH, यहां पे CW माइनस, सैलिसिलेट बोलते हैं इस आयन का नाम, क्या होता है सैलिसिलेट, सैलिसिलेट आयन। अब आपको पता है सैलिसिलेट आयन माइनस है, माइनस पे कोई मेटल आई है यहां पे सोडियम, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम सैलिसिलेट आयन, इसका नाम हो जाएगा सोडियम सैलिसिलेट, इसका नाम क्या हो जाएगा सोडियम सैलिसिलेट। अब इस सोडियम सैलिसिलेट का यहां से क्या करवाते हैं, अम्लीकरण करवाते हैं, सोडियम सैलिसिलेट का यहां से क्या करवाते हैं, अम्लीकरण करवाते हैं। अम्लीकरण का मतलब यहां से अम्ल ले लें, कोई HCl अम्ल ले लिया आपने, ऐसे Ag+ क्या शो कर रहा है, मीडियम कैसा है ऐसे दिख, तो अम्लीकरण का मतलब यहां से H+ Cl-, यहां से बॉन्ड डिस्कनेक्ट कर, यहां से टूटेगा, यहां पे क्या आएगा माइनस, यहां पे प्लस, तो Na+ Cl- आउट कौन हो जाएगा, यहां से NaCl बाहर निकल जाएगा, जब बाहर निकलेगा तो Ag+ कहां पे हो जाएगा, यहां पे, तो ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, सैलिसिलिक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा, तो ये आपका CWH, इसका नाम क्या है सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल। ये जो अभिक्रिया है वो कहलाती है आपकी कोल्बे सिमिट या कोल्बे अभिक्रिया। तो यहां पे क्या बताया है डियर स्टूडेंट कि फिनॉल है, उस फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है, क्या बन जाता है यहां से सोडियम फिनॉक्साइड, जिसे CO2 के साथ उच्च दाब 398 केल्विन ताप पर गर्म किया जाता है, तो क्या बन जाता है यहां से सोडियम सैलिसिलेट। इसका अम्लीय माध्यम में क्या करवा दीजिए, अम्लीकरण करवा दीजिए, क्या बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल, इसे क्या कहा जाएगा कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे सिमिट अभिक्रिया कहा जाता है। क्लियर है, यहां से एक बार वापस देख लें, फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई जाती है, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है, जो CO2 के साथ उच्च दाब 398 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट बनता है, जिसका अम्लीकरण कराया जाता है तो सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है, इसे कोल्बे अभिक्रिया, कोल्बे सिमिट अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहां से आपको डायरेक्ट बताया मैंने, यहां से सोडियम फिनॉक्साइड है CO2 के साथ सोडियम सैलिसिलेट, देखो यहां से CWNA कैसे, यहां का Na और यहां का CW मिलकर यहां से कैसे, ये डायरेक्ट याद रखना है, लेकिन मैं समझाने के लिए आपको बता देता हूं उसकी इस पॉइंट को, मैं यहां से मैकेनिज्म के रूप में, जैसे ही आपका सोडियम फिनॉक्साइड बना, यानी इसकी मैकेनिज्म देखो क्रियाविधि के तौर पर, क्रियाविधि में क्या होता है, इसमें यहां से आपका जो सोडियम फिनॉक्साइड है ये रहा आपका ओ एन ए, सोडियम फिनॉक्साइड, अब CO2, CO2 को कैसे लिखते हैं आप, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, ये होता है CO2। तो यहां से क्या होता है, देखो आपको पता है यहां से बॉन्ड डिस्कनेक्ट होगा, एक मिनट देख ले, यहां से क्या आएगा, पेरिस बॉन्ड को तोड़ा आपने, यहां से क्या लेके आया माइनस, यहां पे क्या आया प्लस, अब यहां से बॉन्ड तोड़ा आपने, यहां पे क्या आया माइनस, ठीक है, यहां पे क्या आया प्लस, अब ये स्टेबल होने के लिए यहां से टूटा, यहां पे माइनस, यहां पे क्या आया प्लस, कोई दिक्कत है क्या भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल है यहां पे, कार्बन ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अंतर, बॉन्ड तोड़ा यहां पे माइनस, यहां पे क्या आया प्लस, अब यहां से बॉन्ड टूटा, यहां पे माइनस, यहां पे क्या आया प्लस, इस बॉन्ड का डिस्कनेक्शन किया यहां पे माइनस और यहां पे क्या आया प्लस, अब देखिए इस माइनस पे तो क्या जुड़ जाएगा, ये प्लस, देखिए जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा ऐसे, कैसे देखें, इस वाले बॉन्ड में आपने कोई चेंजिंग नहीं किया, इसको ऐसे कैसे लिख दें, ये माइनस था, इसके ऊपर क्या जुड़ जाएगा आपका सी, ये डबल बॉन्ड ओ, ऐसे कैसे, अब ये सिंगल में कन्वर्ट हो गया, ये सिंगल यहां पे क्या है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे माइनस, यहां का क्या है Na+, तो यहां से क्या जुड़ जाएगा आपका CWN, ठीक है, इसके बाद में यहां से ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड, ये कंपाउंड बनेगा। इसके बाद आपको पता है इसका यहां से हिडन H, हिडन H यहां से H शो कर दें, ये वापस यहां से क्या करेगा बॉन्ड तोड़ेगा, यहां पे क्या आएगा माइनस, यहां पे क्या आएगा प्लस, इस बॉन्ड को यहां से आपने तोड़ा, इस पे क्या है माइनस, यहां पे क्या है प्लस, H+ कहां पे शिफ्ट हो जाएगा इस माइनस के ऊपर, देखिए यहां से क्या बन जाएगा आपका, ये कंपाउंड बन जाएगा आपका, दोनों के बीच में प्लस माइनस के बीच में बॉन्ड बन जाएगा, और ये कंपाउंड क्या बन चुका, ये ऐसे कैसे लिख दे CWN, और ये डबल है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, तो देखिए बन गया आपका OH CWN, सोडियम सैलिसिलेट बन गया, इसका नाम क्या बन जाएगा आपका सोडियम सैलिसिलेट, इसका नाम क्या हो जाएगा सोडियम सैलिसिलेट, तो सोडियम सैलिसिलेट बन जाएगा, और सोडियम सैलिसिलेट जब ये बन जाएगा ये कंपाउंड आपका, इसका अम्लीकरण करवा दे तो यहां से क्या बन जाएगा सैलिसिलिक अम्ल। इस प्रकार की जो अभिक्रिया है वो क्या कहलाती है आपकी
कोल्बी अभिक्रिया, कोल्बी स्मिट अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ से ये लिख रखा है स्पष्ट कि फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है, सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है जो CO2 के साथ उच्च दाब 398 केल्विन ताप पर गर्म करते हैं तो सोडियम सैलिसिलेट बनाता है जिसका अम्लीकरण करवाया जाता है तो सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। इसे क्या कहा जाता है? कोल्बी अभिक्रिया, कोल्बी स्मिट अभिक्रिया कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं यहां से हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट देखें हाइड्रोजनीकरण यानी फिनॉल की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ एनआई निकिल है, प्लेटिनम है, एनआई पीटीपीडी कैटलिस्ट की उपस्थिति में करवाएंगे तो वहां से वो हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा। किसका निर्माण कर लेता है? वहां से साइक्लोहेक्सेनॉल का निर्माण कर लेता है। इसे क्या कहा जाता है? हाइड्रोजनीकरण। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का उत्प्रेरक की उपस्थिति में जुड़ना। हाइड्रोजन का उत्प्रेरक की उपस्थिति में जुड़ना, हाइड्रोजन का उत्प्रेरक की उपस्थिति में जुड़ना हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। हाइड्रोजनीकरण कहलाता, यानी हाइड्रोजन का उत्प्रेरक की उपस्थिति में जुड़ना क्या कहलाएगा? हाइड्रोजनीकरण। तो यहां से क्या होता है? फिनोल का हाइड्रोजनीकरण कैसे होता है? देखें तो ये आपका क्या है? फिनोल। अब यहां से थ्री डबल बॉन्ड है, यहां से तीनों डबल बॉन्ड टूट जाएंगे 1 2 3। यानी एक डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए यहां पे भी हाइड्रोजन जुड़े, यहां पे भी हाइड्रोजन, यानी एक डबल बॉन्ड को तोड़ने के लिए दो हाइड्रोजन की जरूरत होगी। तो यहां से क्या हो जाएगा आप लोगों को? हाइड्रोजन के कितने मोल लेने पड़ेंगे यहां पे? 3। H2 को बोलते हैं हाइड्रोजन। किसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया करवा दें? Ni है, Pt है, Pd। यानी उन उत्प्रेरक को, ये क्या है? निकिल, प्लेटिनम, पैलेडियम उत्प्रेरकों की उपस्थिति में, यानी फिनॉल की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ निकिल प्लेटिनम पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है। हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इसमें और क्या बना लेगा? यहां से साइक्लोहेक्सेनॉल बनाता है। तो यानी कि ये कंपाउंड जो है, देखो यहां से OH ऐसे कैसे, यहां पे जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएंगे, टूट जाएंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? सिंगल में। इस प्रकार का जो कंपाउंड बनेगा वो कहलाएगा आपका साइक्लोहेक्सेनॉल। इसका नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेनॉल बनता है। क्या बन जाएगा यहां पे? साइक्लोहेक्सेनॉल। यानी कि देखो बेंड, अगर बॉन्ड लगा हुआ है तो तीनों बॉन्ड अल्टरनेट क्रम में जुड़े तो बेंजीन, यदि बॉन्ड नहीं है तो इस रिंग का नाम होता है साइक्लोहेक्सेन। अब साइक्लोहेक्सेन की रिंग पर OH समूह जुड़ा हुआ है क्रियात्मक समूह, तो नाम क्या हो जाएगा? साइक्लोहेक्सेनॉल। यानी फिनॉल की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ निकिल प्लेटिनम पैलेडियम उत्प्रेरकों की उपस्थिति में कराई जाती है तो हाइड्रोजनीकरण होकर साइक्लोहेक्सेनॉल बन जाता है। तो ये कहलाता है आपका हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही काफी।